गुलबर्गा शहर में मौजूद अल मिसबा टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से मजेस्टिक फंक्शन हॉल में 16 नवंबर को उमरा रवाना होने वाले हजरात के लिए एक रोजा तरबियती कैंप ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल राजिक साहब ने तमाम जाहिरीन मक्का मुनव्वरा की रहनुमाई की और कई मसाइल में इनके इल्म में इजाफा किया गया है। अल मिसबा टूर्स एंड ट्रैवल्स के प्रोपराइटर जनाब जावेद मौलाना ने बताया, इनके यहाँ से हर महीना कुल 3 उमरा ग्रुप रवाना हो रहे हैं और अगले महीने दिसंबर में डीलक्स उमरा पैकेज में बढ़िया डिस्काउंट ऑफर रखा गया है। जो कोई भी दिसंबर में उमरा की शहादत हासिल करना चाहते हैं, अल मिसबा टूर्स एंड ट्रैवल्स से राब्ता कर सकते हैं। न्यू ईयर 2024 जनवरी फरवरी मार्च और खासकर रमजान महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट पैकेज अवेलेबल है। आप अल मिसबा टूर्स एंड ट्रैवल्स ऑफिस जागीरदार कॉम्प्लेक्स दरगाह रोड पर विजिट कर मजीद तफसीलात हासिल कर सकते हैं। 3 अमल आपके हो गए जो जरूरी है, एहराम, तवाफ और सही। अब आपकी उमरा का एक और लास्ट, जब आप सही कर लिए तो अब आपको बाल मुड़वाना है या कतरवाना है। मर्द अगर बाल मुड़वाए तो अफजल है या नहीं, अगर उन्होंने कुल बाल का सर का अगर चौथा हिस्सा भी कतरवा लिया तो काफी है। ठीक है, मर्द के लिए मुड़वाना अफजल है और कतरवाए तो भी अदा हो जाता है। औरत के लिए, क्योंकि औरत को बाल मुड़वाना जायज नहीं, हराम है, तो अब यहाँ पर औरत के लिए शरीयत कहती है कि अपने बाल का चौथाई हिस्सा क्या करना है, कट करना है। कैसे? उनके बाल की जो चोटी होती है, पूरे बाल बाल की चोटी होती है, तो वो चोटी पकड़ करके एक जो फोड़ है, बल्कि एक पोड़ से थोड़ा ज्यादा एहतियातन, एक पोड़ से थोड़ा ज्यादा क्या करे, चोटी पकड़ के अपने बाल को कट कर ले, उनका ये अमल और जो तकसीर करवाना है ये अमल उनका पूरा हो जाए। आपका एक उम्रा हो गया। अगर आप दूसरा उम्रा करना चाहते हैं तो उसी कपड़े में, जहाँ से एहराम बांधकर मस्जिद आयशा या मकाम जहराना, आप वहाँ जा करके फिर एहराम बांध करके आइए। जब एहराम बांध लेंगे तो फिर आप एहराम में आ जाएंगे और फिर जो अमल हमने अभी आपको बताए वो अमल बजा लाएंगे। इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, दूसरा अमल हो जाएगा। के बाद आप मस्जिद नबी आपकी हाजिरी होगी और जहाँ आप अपनी आंखों से उस जगह का आप दीदार करेंगे जहाँ अल्लाह के रसूल पाक क्या है, तशरीफ फरमा है। अब वहां पर आपको हुजूर की बारगाह का कितना अदब रखना है, हुजूर की बारगाह का अदब जिस तरह हुजूर के जमाना है ज़ाहिरी में था, उसी तरीके से हुजूर की विसाल फरमा जाने के बाद जहाँ आराम फरमा रहे हैं वही अदब भी करना लाजिम। और सहाबा हुजूर का अदब कैसे करते थे जमाना ज़ाहिरी में, जब सहाबा हुजूर की बारगाह में बैठे होते इतने बादब बैठते, इतने साइलेंट बैठते, उनका सर झुका हुआ होता, कोई परिंदा आकर के बैठना चाहे तो बैठ जाए, उन्हें उस परिंदे को नहीं मालूम कि इंसान है। आप अंदाजा लगाइए कि सहाबा कितना अदब करते थे, किस आदाब के साथ हुजूर की बारगाह में बैठते थे। उलमा फरमाते, फुका फरमाते हैं जो आदाब हुजूर के जमाने ज़ाहिरी में, ऐसी हुजूर के विसाल फरमा जाने के बाद हुजूर की जो आरामगाह है वहां पर भी वो आदाब बजा लाने और ऐसा अतर लगाए जिसका रंग जाहिर ना हो, जिसका रंग जाहिर ना हो, और जो आपको खुशबू जचती हो, जो आपको खुशबू अच्छी लगती हो वही अतर लगाए। और कोशिश करें कि ज़्यादा डार्क वाली खुशबू, तेज़ वाली खुशबू से आप एहतियात करें, क्योंकि बहुत से लोगों को इससे थोड़ा तकलीफ़ होती है। तो अहराम की नियत से पहले, अहराम पहनने से पहले आप अहराम पे अतर अपनी अहलिया से लगवाइए, ये आका अली सलातुसलाम की सुन्नत मुबारका है और इस सुन्नत पर अमल करने से मियाँ बीवी की मोहब्बत में इजाफा भी होता है। तो ये आप अमल करें। उसके बाद अहराम बांधने का तरीक़ा, जब हम आपको अहराम जहाँ पहनाएंगे, पहनने के लिए हम आपकी रहनुमाई करेंगे, तो वहाँ आप इस तरीक़े कार को जहन में रखें और इस तरीक़े के मुताबिक ही अहराम पहनने की कोशिश करें। ये बहुत आसान है। सबसे पहले मैं आपका जहन ये बनाऊँ कि मर्द हजरात जैसा कि लुंगी पहनते हैं, तहबन पहनते हैं, ये बिल्कुल वही तरीक़ा है। बस हमारे तहबन बांधने में, लुंगी पहनने में जो है घीटी मारी जाती, गांठ मारी जाती है, अहराम में आपको घीटी नहीं मारना है बल्कि आपको टोप लेना है। और अगर टोप लेने से भी अगर आप मुतमईन नहीं है, बेचैनी है, तो फिर बेल्ट का सहारा भी ले सकते हैं, आप बेल्ट भी पहन सकते हैं। तो तरीक़ा ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ते हुए आप अहराम पहने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप अपने पैरों को चौड़ा करें। ये पैर इसलिए हम चौड़ा करने कहते हैं कि हमारे उलमाए इकराम के तजुर्बात के मुताबिक कि आपको चलने में है ना आसानी होती है।
अगर आप पैर चौड़े नहीं करें, पैर को बांध के अहराम बांधेंगे तो आपके पैर महदूद हो जाएंगे ज़्यादा रफ्तार में, या पैर को आगे फैलाकर आप नहीं चल पाएंगे। हम आपको अहराम जो पहनाएंगे वो बहरीन एयरपोर्ट पे पहनाएंगे। तो वहाँ से उमरा करने का जो हमारा ये है, अहराम पहनने के बाद जिद्दा सफ़र 2 घंटे का है, फिर जिद्दा से हम शहर मक्का पहुँचेंगे 1.5 घंटे में, और इंशाल्लाह फिर वहाँ हमारे 3 घंटे में खाना खाने का एक घंटा समझ लीजिए होटल पहुंचने के बाद, और 2 घंटे में हमारा इंशाल्लाह उमरा मुकम्मल हो जाएगा अगर मैं जैसा आपकी रहनुमाई करूंगा आप उस पर अमल करेंगे। तो 6 से 6.5 घंटे में आप अहराम की पाबंदी से इंशाल्लाह आप फारिग हो जाएंगे। ये मैं आपको यहीं आपका जहन आसान कर दे रहा हूँ, जहन बना रहा हूँ, ताकि आप अहराम को लेकर परेशान ना हो। बहुत से लोग अहराम को लेकर परेशान होते हैं। हाँ, जो लोग कॉटन का कपड़ा खरीदे हैं, जो थान वाला आता है मीटर में जो लेते हैं ना, वो लोग पहले ही से अहराम को थोड़ा पानी में डाल के इसको नरम कर ले, क्योंकि वो गंजी की वजह से कड़क होता है, वो अहराम बहुत फिसलते रहता है, बहुत बार खुलते रहता है, जिसकी वजह से हाजी लोग परेशान होते रहते, बार बार आते रहे, जाए भी थोड़ा बांधो, खुल रहा है ज़रा, बांधो ज़रा, खुल रहा है। तो हम तो बांधेंगे बांधेंगे, मगर पहले अगर आप ये एहतियात कर लेंगे तो आपको किसी किस्म की तकलीफ नहीं होगी। और जो हुजूर ने जिस तरीके से अरकान उम्र अदा किया है, उस तरीके को अपना कर हमारे को अरकान उम्र अदा करना है, क्योंकि हुजूर की अदाओं के जरिए के से अगर हम उम्र के अरकान अदा करेंगे तो वो उम्र अल्लाह की बारगाह में मकबूल होगा। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपके साथ रहता हूँ पूरे 15 दिन, आप बार बार पूछिए, पूछने से आपके इल्म में इजाफा होगा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज 14 नवंबर मजेस्टिक फंक्शन हॉल में अल मिसबा टूर्स एंड ट्रैवल्स का एक रोज़ा उमरा तरबेती कैंप रखा गया, जो 16 नवंबर को हमारा काफिला उमरे के लिए रवाना होने जा रहा है। उसके ज़िमन में आज मजेस्टिक फंक्शन हॉल में एक तरबेती कैंप रखा गया था, जिसमें मुफ्ती शहर हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल राज़िक साहब क़िबला ने अपने बेहतरीन अंदाज़ में ज़ायरीन हरमैन शरीफ़ैन की रहनुमाई फरमाई और बहुत से मसाइल से उनके इल्म में इजाफ़ा फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह अल मिसबा टूर्स एंड ट्रैवल्स शहर गुलबरगा में लगातार हर महीने में 3 पैकेज, हज के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अगस्त में 3 ग्रुप निकले हमारे, और सितंबर में 3 ग्रुप निकले, और अल्हम्दुलिल्लाह अक्टूबर में भी 3 ग्रुप हमारे यहाँ से डिपार्चर सफ़र कर चुके हैं, और बड़ी कामयाबी अल्लाह ताला ने इन काफ़िलों में हमें अता फरमाई। और माह नवंबर में हमारे 2 ग्रुप निकले हैं। पहला ग्रुप हमारा 5 नवंबर को निकला, जो अल्हम्दुलिल्लाह शहर मदीनतुल मुनव्वरा में अब उस शहर की बरकतें हासिल कर रहा है। और जो नवंबर का दूसरा ग्रुप है हमारा 16 नवंबर को 39 हाजी साहिबान के साथ हमारा ये काफ़िला शहर मक्कतुल मुकर्रमा के लिए रवाना होने वाला है। और अल्हम्दुलिल्लाह शहर गुलबरगा में अल मिसबा टूर्स एंड ट्रैवल्स बड़ी अच्छी अंदाज़ में खिदमात अंजाम दे रहा है। इसी के साथ माह दिसंबर में एक डिलक्स पैकेज, 16 दिसंबर को हमारा डिलक्स पैकेज उमरा का तय हुआ है, जो बहुत ही वाजबी दामों में तय किया गया है। इंशाल्लाह आपको स्क्रीन पे हमारा ब्राउचर नज़र आएगा। जो हजरात माह दिसंबर में उमरे की सादत हासिल करना चाहते हैं, ज़रूर एक मर्तबा स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से रابطہ करें, या हमारी ऑफिस अल मिसबा टूर्स एंड ट्रैवल्स जागीदार कॉम्प्लेक्स अपोजिट इनामदार पेट्रोल पंप दरगाह रोड गुलबरगा पे ज़रूर रابطہ करें। इंशाल्लाह आपकी कई मामलात में रहनुमाई की जाएगी। जनवरी, फरवरी, मार्च और माह रमज़ान में भी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह शुरू के 21 दिन, लास्ट के 21 दिन और 15 दिन का भी हमारा पैकेज तय किया गया है। तो जो हजरात इन ग्रुप्स में, इन काफ़िलों में शिरकत करना चाहते हैं, ज़रूर हमसे रابطہ करें। माह जनवरी, 1 जनवरी को हमारा 16 दिन का काफ़िला रवाना होने वाला है, जो बिलखसूस स्पेशल प्राइस के साथ 92,000 रखा गया है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं, जो 16 दिन के सफ़र करना चाहते हैं उमरे के लिए, ज़रूर हमसे रابطہ करें। और जनवरी में हमारा 2nd ग्रुप 23 जनवरी को रवाना हो जाएगा इंशाल्लाह। उसमें भी जो सफ़र करना चाहते हैं, ज़रूर अल मिसबा टूर्स एंड ट्रैवल्स से रابطہ करें। इंशाल्लाह आपकी बेहतरीन अंदाज़ में रहनुमाई की जाएगी और अच्छे अंदाज़ में आपको लेके जाया जाएगा, और आपकी हर तरह से आपकी खिदमत करने के लिए अल मिसबा टूर्स एंड ट्रैवल्स अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। ज़रूर मौका दें खिदमत का, अल्लाह ताला हम सब की खिदमत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएँ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।